तो दोस्तों, रोजगार से इंडिया के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज के मैं इस वीडियो में बताऊंगा प्रधानमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का ऑनलाइन पंजीकरण किस प्रकार करना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ये जो योजना है वो केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय में बढ़ोतरी करना, जो कि किसान जो खेती के काम में जो कि उपकरण लेते हैं उनको उसे 40 से 50% की सब्सिडी दी जाती है जिस उपकरण का वो यूज लेते हैं उसके अंदर। और साथ ही साथ उसमें जो किसानों की जो कि उपकरण में जो कि कोरोना के समय जो कि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उससे जो कि ये उपकरण वो खरीदेंगे उनसे क्या वो जल्दी से जल्दी लाभ कमा पाएंगे, वो अच्छी तरह काम कर पाएंगे, इसलिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। इसके लिए किसान रजिस्ट्रेशन कर सकता है, साथ में जो कि उद्यमी होते हैं जो कि कारोबारी होते हैं वो भी इसके साथ इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उनके लिए अलग फॉर्म है जिसे ऑनलाइन मैं आपको भर के बताऊँगा। अगर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं जानने के लिए, अपने मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं पूरा प्रोसीजर, ऑनलाइन प्रोसीजर किस तरह आपको इसको अप्लाई करना है। मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। जिस ब्राउजर का आप यूज लेते हैं उस ब्राउजर में आपको सबसे पहले गूगल खोलना है। गूगल खोलने के बाद आपको गूगल पर टाइप करना है एग्री मशीनरी आपको टाइप करना है और क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पहला जो ऑप्शन आएगा DBT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन एग्रीकल्चर मशीनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाती है। इसके अंदर आपको जो कि है यहाँ पे जो कि आपको 5 नंबर का ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन, उस पर आपको यहाँ पे आना है। आने के बाद आपको यहाँ पे फार्मर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास लिस्ट आ जाती है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे। पहला जो डॉक्यूमेंट है आपको रिक्वायर्ड होगा आधार कार्ड टू आइडेंटिफाई योर बेनिफिशियरी, जो कि आपको बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद सेकंड नंबर का पॉइंट आता है आपके पासपोर्ट साइज फोटो फार्मर, जो कि किसान की जो कि पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है थर्ड नंबर का रिकॉर्ड ऑफ राइट ROR रिकॉर्ड होना चाहिए और लोड ऑफ अपलोडेड वाइल एडिटिंग लैंड डिटेल्स, जो कि आपकी भूमि का जो कि विवरण होना चाहिए वो इसके अंदर होना चाहिए, अपलोड होना चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर का पॉइंट आता है कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, जो कि आपकी बैंक की पासबुक होगी उसकी फर्स्ट कॉपी का पहला फ्रंट पेज उसकी वो होगा जो कि आपका इसमें लगाएगा। उसके बाद आएगा पांचवे नंबर का पॉइंट कॉपी ऑफ ID प्रूफ, जो कि आप साथ में जो कि ID प्रूफ लगा सकते हैं, जो कि पहला ID प्रूफ हो सकता है, चाहे आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा दीजिए, वोटर ID कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट, कोई भी इनमें से एक डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगाना होगा। उसके बाद आता है कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि आपकी कास्ट होगी मतलब जो कि आपकी जाति है उसका एक सर्टिफिकेट लगेगा। अगर SC हैं ST हैं या OBC हैं उनमें का अगर हैं तो इसका एक सर्टिफिकेट लगेगा, अगर जनरल हैं तो नहीं लगेगा, यह आपको रिक्वायर्ड होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इसमें रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद आपको यहाँ कैंसिल कर देना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड से या मोबाइल नंबर से भी आप कर सकते हैं, या नेम ऑफ ऐप जे आधार कार्ड, क्योंकि आपका नाम है आधार कार्ड में, उससे आप कर सकते हैं। जैसे अगर आधार ना कार्ड से करना है तो आधार कार्ड यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर टाइप कर लेना है, नहीं अगर आप चाहते हैं मोबाइल नंबर से करना तो मोबाइल नंबर में आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे में डिस्ट्रिक्ट की ऑप्शन आपके आ जाती है उसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अभी यहाँ मोबाइल नंबर डालना है और इसके बाद आ जाता है अगर एज पर नेम आधार कार्ड, जो आपके आधार कार्ड में अगर नेम है तो इससे आप और फॉर्म से भी कर सकते हैं, जैसे अपना स्टेट सेलेक्ट करके उसके बाद आप यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना ब्लॉक, जो आपको ब्लॉक लगता है वो भी आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जाता है आपका विलेज, आपका कौन सा गांव है वो यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएंगे जो आप करेंगे। उसके बाद आपका जो नाम है आधार कार्ड में वो नाम से भी आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। मैं मोबाइल नंबर से आपको करके बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने अपना स्टेट राजस्थान सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट जयपुर सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल रहा है, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ। डालने के बाद आपको सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑडिटर आ जाती है, जैसे नो डाटा फाउंड प्लीज टिप योर फॉलोइंग डिटेल। अगर मेरा पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन होता तो मेरे पास यहाँ पर डिटेल आ जाती है, क्योंकि मेरा यहाँ डाटा नहीं है। इसके बाद आपको आ जाना है, आपके ऑप्शन खुल जाती है सेलेक्ट या वो सब डिस्ट्रिक्ट, आपको अपनी सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। जैसे कि सब डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा लगता है, जैसे कि अपने ऑप्शन खुल गया, जैसे मैंने जयपुर सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको अपना ब्लॉक, जिस ब्लॉक में आपका गाँव आता है, आप शहर से हैं, जिस ब्लॉक से आप आते हैं उस ब्लॉक से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे दूदू जासू जो भी हो आपका इसमें से ऑप्शन मिल जाएंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है।
जैसे मैंने जालसू सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप सेलेक्ट योर विलेज, आपको अपना गांव सेलेक्ट करना है, जो भी आपका गांव है इसमें से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, उन गाँव को आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है अपना आधार नंबर, आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर पूरा डाल देना है। उसके बाद नेम एज ए पर आधार, जो आपका आधार कार्ड में आपका नाम है पूरा, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको अपना फादर का नेम, जो कि आपके फादर का नाम है पूरा जो कि आधार कार्ड में है, वो आपको पूरा सही तरह डाल देना है। उसके बाद आपको अपने डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपका जन्म तारीख है, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, जन्म तारीख आपको इसमें से डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको महीना सेलेक्ट कर लेना है जिस महीने का आपका जन्म है। उसके बाद आपको इसमें तारीख, आपको जो भी तारीख है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करके इसमें डाल देनी है। उसके बाद आ जाता है आपके पास जेंडर, जेंडर में आपको मेल, अपना मेल है फीमेल है जो भी आप गया है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आ जाती है कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप, जर्नल से हैं, ओ बी सी हैं, एस सी एस टी जो भी हैं, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड करना होगा, अगर ओ बी सी से हैं तो ओ बी सी आपको बाद में अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है आपका सिलेक्शन ऑफ फार्मर टाइप, किस टाइप के आप फार्मर हैं, जैसे आपकी लार्ज हैं 2 हेक्टेयर से अबाव बड़ी है, या छोटे हैं तो इलेक्ट्रिक काम है, या स्मॉल हैं तो पूरे 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है, वो आप कर देना है। उसके बाद अगर आपको फ़ोन नंबर है तो आपको डाल देना है, डालना वो जरूरी नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं छोड़ देना है। उसके बाद आपको मेल आईडी डालना है, मेल आईडी आपके पास है तो डाल देना है, नहीं तो छोड़ देना है आपको। उसके बाद आपको अपना पिन कोड डाल देना है, जो कि आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस, पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है, जो कि आपके पास होना है। उसके बाद डालने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास पूरा फॉर्म आपके पास सामने रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्टर करने के बाद आपके मोबाइल पे आपको आईडी पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन इन वाली ऑप्शन से आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाता है कि आप किसका फार्मर वाला आपने भरा था, तो फार्मर आपको आ जाता है, उस पर क्लिक कर देना है। उसको आपको अपनी आईडी और जो पासवर्ड आपको डाल देना है। उसके बाद डालने के बाद आपको ये कैप्चा पूरा डाल देना है और साइन इन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो कि आपको जो 6 डॉक्यूमेंट आए थे, रिक्वायर्ड थे, जो इस अभी आपको इस पर अपलोड करने होंगे, ये सारी चीज़ आपके पास डिटेल आ जाएगी, उसको आपको इसमें अपलोड करना होगा। अगर आप उसमें, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चरर के लिए आपको मैन्युफैक्चरर पर क्लिक करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग की आपको डिटेल्स में डालनी होगी। उसमें आपको यहाँ पे अपना ऑप्शन आ जाएगा किस पर कहाँ से मैन्युफैक्चरर है, वो आपको स्टेट अपना आप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको, अगर आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है उसको आपको अपलोड भी करना होगा, जीएसटी नंबर। उसके बाद आ जाता है टी नंबर, अगर आपका टी नंबर है तो टी नंबर आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, नहीं तो खाली छोड़ देना है। उसके बाद आ जाता है आपका पैन कार्ड नंबर, पैन नंबर आपके पास अगर है तो पैन नंबर आपको यहाँ पर पूरा डाल देना है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, जो कि आपकी कंपनी है, उसका पूरा नाम आपको यहाँ डाल देना है। मैन्युफैक्चरिंग और कॉरपोरेशन हेड ऑफिस एड्रेस, अगर आपका कोई ऑफिस का एड्रेस है पूरा आपको डाल देना है। उसके बाद आपको पिन कोड डाल देना है, अगर है तो आपको डाल देना है, नहीं तो छोड़ देना है। फैक्स नंबर है तो डाल देना है, नहीं तो छोड़ देना है खाली। उसके बाद जाता है कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, जो कि कॉन्टैक्ट पर्सन है उसका नंबर डाल देना है। उसके बाद जो कि डेजिनेशन है उसका, कौन सा उसकी पोस्ट पर है, वो आपको डाल देना है। उसके जो कॉन्टैक्ट पर्सन, उसका मेल आईडी आपको डालना जरूरी है, और जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनकी वेबसाइट अगर है तो उसको आपको डाल देना है, नहीं तो खाली छोड़ देना है। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, अगर फ़ोन नंबर है तो वो डाल देना है, नहीं छोड़ देना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका लगता है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद विलेज सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद मैन्युफैक्चरर एसोसिएट का वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कस्टमर कार्ड अगर है तो आपको यहाँ पर नंबर डाल देना है, और किस टाइप का है, पेड है, टोल फ्री है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको आ जाता है अपना ट्रेडमार्क, जो कि आपका बिजनेस ट्रेडमार्क है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसमें जो ट्रेडमार्क है उसमें आपको फाइल अपलोड करनी होगी, उस पर अपलोड ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना चाहिए, जो कि आपका 200 KB तक होना चाहिए, 200 KB कम होना चाहिए। उसको PDF फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में आप इसको अपलोड करना होगा, इसको आपको सर्टिफिकेट को PDF फॉर्मेट में करना होगा। और वही जो आपको ट्रेडमार्क है वो आप JPG और PNG या JPG फॉर्मेट में कर सकते हैं। उसको उसका आप अपलोड लेटेस्ट बैलेंस शीट, जो कि आपके पास बैलेंस शीट होगी वो आपको अपलोड करनी होगी, जो कि लेटेस्ट वाली आपको अपलोड करना है। उसके बाद सिलेक्टेड या रजिस्ट्रेशन टाइप, आप किस टाइप के रजिस्ट्रेशन है, ओनली मैन्युफैक्चरर है या दोनों हैं, बोथ टाइप के हैं, तो वो आपको यहाँ पे कलर के और सबमिट मैन्युफैक्चरर डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका मैन्युफैक्चरर आपका पूरा फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरह से आप फार्मर और मैन्युफैक्चरर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।